आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एड्रेनिक्स की शटल कॉक 201 का, जो इनकी एक ही नायलॉन की शटल कॉक आती है, बैडमिंटन नायलॉन शटल कॉक। तो एक्चुअली ये मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये बॉक्स छोटा वाला मेरे रैकेट के साथ ही आया था। तो काफ़ी कंफ्यूजन में रहा मैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की शटल निकली कि मुझे समझ नहीं आया कि ये अच्छी है या बुरी है पर अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। तो देखते हैं, धूल से तो लग रहा है पता नहीं कब का स्टॉक था ये। चलो ओपन करके देखते हैं इस डब्बे को, रखा है अपने साइड पे। तो ये रही इसकी शटल्स। तो मैं बता रहा था कि ये वाला बॉक्स मैं इसमें तीन शटल थी, मैं तीन यूज़ कर चुका हूँ और मुझे मैं कंफ्यूजन में था कि ये शटल अच्छी है या नहीं है, क्योंकि मैं पहले कॉस्को की भी शटल्स यूज़ कर चुका हूँ और योनेक्स की भी। तो इस बार इस शटल ने थोड़ा मुझे सरप्राइज़ किया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई अब नेक्स्ट टाइम इसको बाई करूँ या नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो बाई कर ही लेता हूँ ताकि इस बार फाइनल कंक्लूजन निकल जाए कि ये शटल है कैसी। तो ये मेरी पुरानी शटल है, सेम एड्रेनिक्स की, सेम मॉडल। तो इसका रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप इस शटल को देखेंगे, इन दोनों शटल्स को, इसमें इन दोनों शटल्स को अगर आप देखेंगे तो ये तो चलो न्यू वाली है, इसको तो ऑफ साइड में रख दो। पुरानी वाली में कॉर्क अभी भी ठीक है, ऊपर से फैदर अभी भी ठीक है, बट ये जो मिडल में है, मिडल में अगर आप देखेंगे यहाँ से टूटा, ये मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। क्योंकि पहले मेरे पास मैं मार्विस 10 यूज़ कर चुका हूँ, वो तो इसका ये कॉर्क प्लास्टिक का होता है, तो उसका ये कॉर्क एक्चुअली प्लास्टिक का होता है, इस वजह से ये कॉर्क रोटेट करने लग जाता है और बाहर आ जाता है, और फिर धीरे धीरे ये भी जो ऊपर वाले विंग्स हैं इसके, ये भी टूटना शुरू हो जाते हैं। और कॉस्को वाले का ये था कि कॉस्को की कॉर्क तो अच्छी थी, बट जो फेदर कह रहा हूँ, जो भी नायलॉन पार्ट था इसका, ये टूट जाता था बहुत जल्दी उसका। तो योनेक्स वाली में क्या होता था कि जैसे जैसे हम योनेक्स से खेलते जाएंगे, मार्विस 10 की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम योनेक्स से खेलते थे उसकी स्पीड बढ़ जाती थी, क्योंकि उसका जो ये जो आगे वाला पार्ट है, कॉर्क वाला पार्ट, वो प्लास्टिक का था, और पीछे वाला ऐसे धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, छोटा छोटा होता जाता है, इस वजह से स्पीड बढ़ जाती है। और जबकि जो कॉस्को वाली थी उसके जो फेदर्स थे वो टूटते जाते हैं, और जिस वजह से ऊपर वाला पार्ट खुल जाता है, और उस वजह से वो और स्लो हो जाती है, जितनी वो पहले स्लो थी उससे भी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। बट ये वाली जो मेरी शटल है, जो मैंने तीन शटल्स यूज कर चुका हूँ, ये मैं ये भी यूज शटल है, इसमें क्या हुआ कि ये जो इसका ब्लैक रिबन है, ये वाला ब्लैक रिबन, ये खुल जाता है, मतलब खुल भी किया जाता है, पूरा खुलने लगा ही था। तो ये वाली मेरी पहली शटल थी जिसका रिबन खुलने लगा था, तो मैंने क्या किया, इस पर धागा लपेट दिया, छोटा सा, बहुत पतला सा धागा, जो बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा धागा मैंने इस पर लपेट दिया, इस वजह से ये भी, इसकी फ्लाइट भी अच्छी रही, एटलीस्ट मतलब जब तक ये इसका ये धागा है तब तक इसकी फ्लाइट अच्छी रही। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ इन दोनों की, जैसे इसमें कोई धागा नहीं है, इसमें कोई धागा नहीं है, इसकी फ़्लाइट और इसकी फ़्लाइट में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। इनफैक्ट अगर ये शटल हमारे पास, कभी कभी हम छत पे खेलते हैं, तो ये शटल अगर हमारे पास नहीं, नीचे गिर जाती है, तो हम इससे भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इन दोनों का फ्लाइट इस धागे से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल माइनर सा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कुछ डिफरेंस है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि
जो शटल टूटी है वो ये वाली भी यहाँ से बीच से टूटी है। इस वजह से मुझे लग रहा था कि ये पास हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि अब तो ये वाली भी यहाँ से टूटी है और ये वाली भी यहाँ से, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो। इस वजह से मैंने, हाँ मेरा फ़ोन गिर गया, इस वजह से मैंने ये न्यू शटल्स मंगाई है ताकि मैं थोड़ा एक्चुअल में कंपेयर कर पाऊँ कि भाई न्यू वर्सेस ओल्ड वर्सेस टू ओल्ड, तो इन तीनों की मैं फ़्लाइट चेक करूँगा कि हाँ कि फ़्लाइट में कितना डिफरेंस आता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब जब ये तीन शटल में, इसकी तीन शटल्स जब मैं यूज़ कर लूँगा तब जाके मैं रिव्यू बनाऊँगा कि तभी पता चल पाएगा कि ये कैसी कितनी देर चलती है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर, तो तुम करने वाले मुझे क्या ही देख लगाऊँ तुमसे, तो शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, इतना ही काफ़ी। बाय।